रामेश्वर डूडी की किसान सभा और इसमें सचिन के अलावा सभी को बुलाने पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट इसका जवाब देंगे 6 मई को मारवाड़ में होने वाली सभा में। इस दौरान अब सचिन गुट पूरे तरीके से एक्टिव हो गया है और अब डूडी और गहलोत को जवाब दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सभा के जरिए सचिन गुट आलाकमान को कई संदेश देना चाहता है। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ यानी मारवाड़ में सचिन पायलट 6 मई को बहुत बड़ी सभा करेंगे। पायलट गुट के विधायक और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हिमाराम चौधरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सभा करेंगे। इसके जरिए सचिन मारवाड़ से आलाकमान को संदेश देना चाहते हैं। सचिन की लोकप्रियता गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है। इस सभा को रामेश्वर डूडी के किसान सम्मेलन के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने बीकानेर के नोखा में जो किसान सम्मेलन आयोजित किया, इसमें गहलोत समेत पूरे प्रदेश से नेताओं को न्योता दिया गया, लेकिन सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद पायलट गुट ने भी सभा की तैयारी शुरू कर दी। पायलट गुट के हेमाराम चौधरी वर्तमान में गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन जब भी अशोक गहलोत गुट की ओर से पायलट पर कोई बयानबाजी की जाती है तो उसका जवाब खुलकर देते हैं। इस बार भी कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने दिवंगत बेटे वीरेंद्र चौधरी की याद में करोड़ों की लागत से 80 रूम का आधुनिक हॉस्टल बनाया है, जिसका नाम वीरेंद्र धाम दिया गया है। इसी हॉस्टल का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास आदर्श स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।